रायपुर से एक और बड़ी खबर को बता दें आपको। रायपुर में तेज हवाओं के चलते बारिश हुई है और धरना स्थल में प्रदर्शनकारियों की हालत खराब हो गई है। पंचायत शिक्षकों को विधवाएं बता दें, प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। वेतन विसंगति अनुकंपा नियुक्ति का जो उनकी मांग है वो है, और इसके अलावा धरना स्थल में प्रदर्शनकारियों की हालत खराब हो गई है। पंचायत शिक्षकों की विधवाएं प्रदर्शन कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेतन विसंगति और अनुकंपा नियुक्ति समेत तमाम उनकी मांगे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर उनकी हड़ताल, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। रायपुर चलेंगे, सत्या राजपूत से बात करेंगे। सत्या, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ आश्वासन मिल पाया अब तक? देखिए, यहाँ लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से हालात खराब हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दृश्य दिखाएं कि ये प्रदर्शनकारी है किस तरह बैनर पोस्टर के सहारे यहाँ पे मौजूद है। हालात यहाँ पे इनके बहुत खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये जो खाना बना के यहाँ रहते थे 24 घंटे यहाँ पे ये हड़ताल करते हैं। दूसरी ओर मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पे अनुकंपा की मांग को लेकर जो पंचायत शिक्षक के विधवाएं हैं वो अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे थे। और ये हालात ये है कि इनका पूरा तेज बारिश के कारण पूरा टेंट टूट गया है, जैसे भी करके पॉलीथीन के माध्यम से भीगने से बच रहे हैं, लेकिन ये लगभग 3 घंटे से ये हालात है। चलकर उनसे बात करते हैं, क्या स्थिति है अभी आप लोगों की? देखिए, हम लोग अभी खाना वाना भी नहीं खाए हैं, हम लोग की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग का पंडाल पूरा गिर गया है, हम लोग पूरी अव्यवस्थित हो गए, कई महिलाएं भीग गई है, ठंड के मारे कांप रही हैं, बहुत बुरी व्यवस्था है हम लोगों की। बच्चों की क्या स्थिति है, क्योंकि आप लोग अपने बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे लेके पहुँचे? छोटे छोटे बच्चों की हालात भी गंभीर है थोड़ी सी, उन लोग भी कांप रहे हैं। कहीं से कोई मदद सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से? मदद तो किए हैं, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में रखे हैं, पर कुछ लोग यहीं पे हैं। मतलब आप लोग को शिफ्ट कर रहे हैं, पुलिस पहुंची है यहाँ पे? हाँ, पहुंची है। तो देखिए, ये हालात यहाँ विधवा महिलाओं की है, जो अपनी मांगों को लेकर अनुकंपा नियुक्ति की मांग के है। दूसरी ओर मैं दिखाऊंगा यहाँ कैमरामैन से, मैं कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कड़ाही में जहाँ पे खाना बना रहे थे उस दौरान स्थिति क्या है कि तेल पूरा पानी भर गया है, खाना इनका पूरा चौपट हो गया है। चूंकि अब यहाँ पे 24 घंटे ये लोग रह के अपनी मांग को करते हैं, ये अपनी मांग को आवाज बुलंद करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर, सभी ये शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलकर उनकी बात करते हैं, क्योंकि इनके टेंट के हालात पूरा खराब है, सभी लोग भीगे हुए दिख रहे हैं। क्या स्थिति, आपके आधे साथी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? अभी बारिश भी बहुत तेज हो रही है, कंटिन्यू लगातार 3 घंटा हो गया बारिश होते हुए। हमारी मांग को वार्ता हुआ है आज हमारे यानी सीएम साहब से, जो हमारे देश के मुखिया है, उनसे वार्ता हुई हमारी, और ये भी बोल दिया है कि आप लोग की मांग को पूरी कर दिया जाएगा, आप लोग जल्दी यानी सुनिए इसमें, आप अपना यानी ज्वाइनिंग यानी हड़ताल को स्थगित कीजिए। आप लोग स्थगित कर रहे हैं हड़ताल? स्थगित किए हैं, हम लोग बंद नहीं किए हैं। ये आंदोलन अभी पार्ट वन है, पार्ट टू अभी बाकी है। अगर ये हमारा हड़ताल यानी हमारा जो मांग पूरी नहीं होगी तो हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। अच्छा, सीएम ने क्या क्या बैठक? सीएम ने बोला है कि आप लोग, बस उतना ही बोले हैं कि आप लोग अपने बच्चों को देखिए और हम आपको देखेंगे, क्योंकि हम यानी हमारे तो वो यानी हमारे भविष्य को वही बनाएंगे, उनके भविष्य को तो हम बना रहे हैं, तो बस इतना ही बोला गया है। अच्छा, हजारों लोग यहाँ पे, पूरे प्रदेश भर से लोग पहुँचे हुए थे यहाँ पे, कुछ सैकड़ों लोग दिख रहे हैं, क्या स्थिति है, कहाँ जाएंगे ये लोग रात को? इन लोग के लिए रहने के लिए व्यवस्था किए हैं, पीछे भवन है उनमें रहने के लिए व्यवस्था किए, 250-300 की जो भी है। समय से आप लोग यहाँ पे हैं बारिश में? ये 7:45 से हम लोग यहीं बैठे हैं सर, हम लोग यहीं इसी पंडाल में यानी हमारे बैनर तले हम लोग खड़े हुए हैं, ऐसे भीगते हुए खाना खाए हैं और ऐसे खड़े हैं सर, अभी भी डटे हैं हम लोग। स्थगित कर रहे हैं आप लोग हड़ताल आज? जी, स्थगित कर रहे हैं आज हम। और आप यानी News 24 जो MPCG के जो कवरेज कर रहे हैं दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बातों को, वार्ता को शासन के माध्यम से बताया। तो देखिए, यहाँ पे हालात तो बदतर है, लेकिन ये सहायक शिक्षकों के लिए एक सीएम के बैठक के बाद वो निर्णय ले रहे हैं कि वो अपनी हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं। और हालांकि यहाँ पे सहायक शिक्षक लोग मौजूद हैं और कुछ देर में वो अपने घर निकलेंगे, पूरी तरह से भीग चुके हैं। और News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार इनको मंच दिया है, स्टेज दिया है, इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक अहम सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि इस तरह की बारिश यहाँ पर हो रही, तेज हवाएं चल रही है, मौसम बेहद खराब है, ऐसे वक्त में इन लोगों ने घर जाना बेहतर नहीं समझा बजाय हड़ताल करने के? जी, आप लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी, क्या आप अपने मांग को प्रमुखता दे रहे थे कि आप? बिल्कुल, हमारी मांग ही प्रमुखता था, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई परेशानी आए, हम अपने मांग पर अडिग थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के बाद यहाँ आंदोलन आज स्थगित किया गया 18वें दिन में। अभी कहाँ जाएंगे आप?
अभी तो कुछ लोग भवन की व्यवस्था किए हैं, कुछ लोग कुछ निजी और साधन देख रहे हैं, कोई पहचान के यहाँ रुकेंगे, कोई रिश्तेदार के यहाँ रुकेंगे, कोई हो सकता है यहीं और एक रुकने की व्यवस्था है वहाँ रुकेंगे। तो देखिए रुकने की व्यवस्था बता रहे हैं या देखिए कि कैसे किस तरह से यहाँ पे रहने को मजबूर हैं, क्योंकि टेंट है और टेंट से पानी बाहर है, तो ऐसे स्थिति में ये लगातार ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर हम जैसे 18 दिन तक हड़ताल में लड़े रहे, हमारे मनीष मिश्रा सर के द्वारा जो शासन के द्वारा मुख्यमंत्री ने हमें जो आश्वासन दिया है, हमें विश्वास है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। यदि वो पूरा नहीं करते तो हम इसी बैनर तरह, जिस बैनर के नीचे में हम खड़े हैं उसी बैनर तरह और उसी नेतृत्व के साथ में सहायक शिक्षक फेडरेशन, हम एक साथ फिर से लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है कि अभी हम स्थगित किए हैं, खत्म नहीं किए हैं, हालात हम दूसरे ओर के दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सहायक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। क्या बातचीत हुई सीएम के साथ आप लोगों? सीएम साहब ने शाम को बुलाया था हम लोग, वहाँ हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो है आप हमारे बच्चे हैं और आपका हम ख्याल रखेंगे और आप बच्चों लोगों का ख्याल रखें, उनके आश्वासन पे हमने धरना को स्थगित किया। विसंगति को लेकर क्या कहा उन्होंने? कहा कि बहुत जल्दी आप लोग को बड़ी सौगात देंगे। कोई समय दिए? समय नहीं दिए, समय नहीं। भरोसा कर लिए? आप मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं तो जरूर भरोसा करेंगे। दबाव बना है क्या? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं। सत्या बच्चों का एक अहम सवाल है, चूंकि बच्चों का भविष्य भी इनके हाथ में होता है, राज्य का भविष्य, देश का भविष्य इनके हाथ में है, क्या इन्होंने एक बार भी सोचने की कोशिश करी है कि उन बच्चों का क्या हो रहा होगा जिन्हें इस वक्त परीक्षा की पढ़ाई करनी है? देखिए जिन बच्चों की आपके जिम्मेदारी है उनको पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना, ऐसे स्थिति में आप अपने मांग को लेकर यहाँ पे थे, तो क्या आप लोग कैसे उसको मैनेज किया? क्या कोई चिंता रहती कि आपके बच्चे पीछे हो रहे हैं? निश्चित तौर पर, जबकि 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि 3 महीने में कमेटी के माध्यम से आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी, जब लेकिन 3 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ आंदोलन पर आए और पहले उन्होंने बोलना था, उसके बाद हुआ। और निश्चित तौर पर मैं सभी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने, पूरे मीडिया ने हमको बहुत बहुत इस कवरेज किया, उसके लिए मैं सहायक शिक्षक प्रशासन के मुखिया। सत्या मौसम रात में ज्यादा खराब होता है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, तमाम सवाल इनके सामने खड़े। बाकी यहाँ रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था की यहाँ पे बाकी सब लोग हैं? आज अब यहाँ पे जितने भी साथी रुके हुए हैं, गुड़ियारी मंदिर है वहाँ, हमने वहाँ पे धर्मशाला बुक कर दिया, जितने भी साथी हैं वहाँ पर जाकर। देखिए सहायक शिक्षक हैं यहाँ पे और अपने उनके पास बजट भी है और ऐसे स्थिति में ये अपने लिए व्यवस्था कर लिया, लेकिन हम दूसरी ओर की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ सहायक जो यहाँ अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाएं हैं लगातार ये 58 दिन तक धरना प्रदर्शन किए थे, 24 घंटे ये पेड़ के नीचे रहने को मजबूर थे, उसके बाद यहाँ पे कमेटी गठित की गई थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि कमेटी 30 दिन के बाद भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं सौंपी है, फिर ये लोग अमरण अनशन पे बैठ गए हैं और ये हालात देख सकते हैं कि कैसे पॉलीथीन के नीचे एक टेंट के नीचे है, क्योंकि इनका जो टेंट बनाए हुए थे पेड़ के नीचे वो ध्वस्त हो चुके हैं पूरी तरह से। आप देखें कि अंदर में कैसे रहने को मजबूर है और दूसरी ओर ये तस्वीर देखिए भीग गए, कैसे कपकपा रहे, हो सकता है तबियत खराब हो जाए। चल के इनसे बात करते हैं, क्या अभी क्या लगता है कहाँ जाने को है आप लोगों को, कोई व्यवस्था हुई है आप लोग? सर कुछ लोगों की हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कराई है बूढ़ेश्वर मंदिर में और हम लोग 5-6 महिला यहीं पर रुकेंगी, क्योंकि यहाँ पूरा सामान रखा हुआ है। और सर देखिए ऐसे खुले खुले आसमान के नीचे इतनी जोर से बारिश हो रही है, मैं तो पूरी भीग चुकी है, हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए वो भी भीग चुके हैं, हो सकता है कि हमारी तबीयत भी खराब हो जाए। आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो, अपनी जान की चिंता नहीं आप लोगों को? नहीं सर, अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण जब तक मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, टीचरों से बातचीत करने के लिए तमाम समस्याएं साफ तौर पर दिख रही है, इतनी भारी बारिश हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन फिर भी न्यूज 24 आपको तस्वीरें दिखा रहा है और कैसे उनकी मांग है वो भी हमने आपके सामने रखी है।